नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर अयोध्या से है। अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। कोविड 19 महामारी पर भारी पड़ी आस्था। कार्तिक माह की अक्षय नवमी को होने वाले 14 कोसी परिक्रमा में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। जहां एक तरफ कोरोना कोविड 19 जैसी वैश्विक महामारी पैर पसारे है, वहीं अयोध्या में आस्था का जनसैलाब भी जमकर देखने को मिला। जहां पतित पावन माता सरयू के घाट पर भोर से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कहा जाता है कि धर्म नगरी अयोध्या में माता सरयू में जो भी आस्था से डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी मान्यता के अनुसार 14 कोसी परिक्रमा में आने वाले सभी श्रद्धालु माता सरयू में स्नान करते हैं व धर्म नगरी अयोध्या का परिक्रमा करते हैं। माता सरयू के घाट पर आए श्रद्धालुओं से की बात। प्राइम न्यूज 24 के लिए रामलोट तिवारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं प्राइम 24, मैं हूँ आपके साथ रामलोट तिवारी। आज हम अयोध्या के पावन नगरी में आए हुए हैं और नए घाट पर परिक्रमा के बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं। और आइए हम कुछ जानकारी देते हैं कि कोविड 19 के बारे में क्या है क्या नहीं। प्रताप सिंह उपाध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ मतलब रात के 2 बजे के लगभग आया। सबसे पूरी अयोध्या में सब श्रद्धालु उठा रहे हैं, लगातार मतलब परिक्रमा चल रहा है, विधिवत शांति घटते चल रहा है। इसमें कोविड 19 नहीं, कोविड 19 का कोई असर नहीं है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सब लोग गमछा मास्क लेकर आए हैं, उसका कोविड 19 का कोई असर नहीं है। पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था से हमारे साथ और भैया जी हैं आगे हम बात करते हैं। आप कहाँ रहने वाले हैं? अयोध्या के। आप यहाँ कितनी बार आए हैं? मैं 5वीं बार। बहुत सारे यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हैं क्योंकि घुमा लिया अभी सुबह सुबह इतनी भीड़ हो चुकी है कि बस सुबह सुबह से ही नीचे तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उनका देखा उनका यहाँ पूरी नदी दिखा दी ना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अर्जुन भैया की जय।